हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन। आप लोगों के लिए DSSSB ने पर्सनल असिस्टेंट 17/21 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। रिजल्ट एक प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट रिजल्ट है, यानी कि आगे होने वाले टाइपिंग और ट्रांसक्रिप्ट यानी कि स्किल टेस्ट के लिए जो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हैं उनकी एक कट ऑफ अनाउंस करी गई है। यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि पता ही था कि भाई 84 वैकेंसीज थी, तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज की जो वैकेंसीज थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ निकाली गई है। और 84 जो वैकेंसीज थी उसके हिसाब से 840 यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करा गया है। तो यानी कि 1:2 यहाँ पे 1:10 यहाँ पे रेशो बन रहा है शॉर्टलिस्टिंग का। तो 10,948 कैंडिडेट्स में से 840 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करा गया है। ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 26 नवंबर, 27 नवंबर और 29 नवंबर 2021 को। इसकी अलग अलग जो कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ गई है आगे स्किल टेस्ट के लिए वो ये रही। अनरिजर्व्ड की गई है 130, OBC 107, SC 115, ST 98 और PWD 85, जबकि EWS की 116.96 यहाँ पे कट ऑफ गई है आगे स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट बहुत जल्दी आप लोगों के लिए डेट अनाउंस हो जाएंगी, लगभग 1-1.5 महीने में आप लोगों का होपफुली स्किल टेस्ट भी हो जाएगा। 1 महीने के अराउंड आपको डेट्स भी पता चल जाएंगी। अगर पीछे देखें तो अभी पीछे जो एग्जाम हुए थे उनके जो स्किल टेस्ट हैं उसकी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं स्किल टेस्ट के। तो यहाँ पे जो आप लोगों को अपने मार्क्स चेक करने हैं वो आप लोगों को जाना है जहाँ पे आपने एग्जाम फिल करा था, एप्लीकेशन फिल करा था, DSSSBonline.nic.in पर। यहाँ पे आके आप जब क्लिक टू साइन इन करेंगे, लॉग इन करेंगे, तो वहाँ पे लॉग इन करने के बाद आपका व्यू रिजल्ट का एक ऑप्शन आएगा। तो व्यू रिजल्ट पे जाके आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को एक रिमार्क भी लिखा मिलेगा कि आप लोग प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं, आगे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं अगर आपकी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि भाई किन लोगों के लिए ये जॉब पाना मोर फेवरेबल होगा। कि जैसा कि आपको पता है कि भाई इसके बाद एक और आपका स्किल टेस्ट होना है, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे मेरिट में, बट स्टिल आपके कट ऑफ से थोड़े ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए तभी आपकी जो जॉब है वो लगने की संभावना जारी ज़्यादा होती है। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आपके अगर UR की बात करेंगे तो अगर आपके पास 36 पोस्ट हैं तो उसमें जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं वो 356 हैं। तो यानी कि लगभग 10 गुना ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे पोस्ट के 10 गुना ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करे गए हैं। तो उस हिसाब से आपको एक सीट के लिए 10 लोगों से लड़ना होगा लगभग। तो उस तरीके से आप लोगों को देखना होगा कि कट ऑफ अगर आपकी 10-11 नंबर ज़्यादा मार्क्स हैं कट ऑफ से तो आपका फेवरेबल चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अगर थोड़ा कम है तो चांसेस हैं बट उतने फेवरेबल नहीं बन पाते अनफॉर्चुनेटली। बट स्टिल मैं सभी को एक सजेशन यही दूंगा कि होप फॉर द बेस्ट और आप लोग अपना स्किल टेस्ट देने जरूर जाना, उसकी तैयारी जरूर करें। किसी का कुछ भरोसा नहीं होता कितनी ज़्यादा कट ऑफ जाए, कितनी कम फाइनल कट ऑफ जाए, बट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के 150 नंबर भी है वो अपना स्किल टेस्ट नहीं दे पाता है ढंग से तो उसके 150 नंबर वेस्ट हैं, वो एलिजिबल नहीं होगा जॉब के लिए। तो इसी हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर जिनके ज़्यादा उनके चांसेस ज़्यादा हैं बट स्टिल आप लोग ट्राई जरूर करना, स्किल टेस्ट जरूर देके आना और अपना बेस्ट जरूर देके आना, स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना और बाकी भगवान की कृपा रही तो आप लोगों की जॉब जरूर लगेगी। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका कट ऑफ क्लियर हुआ है, आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं अपनी जॉब पाने के लिए। और जिनका कट ऑफ बहुत थोड़े मार्क्स से रह जाएगा या रह गया होगा अपने मार्क्स देखने के बाद, तो वो निराश ना होए, आप बिल्कुल नज़दीक हैं, बस थोड़ा सा पुश की और ज़रूरत है, आप ये कट ऑफ भी क्लियर कर जाएंगे। जनरल ट्रेंड के हिसाब से हमने जो गैस करा था कि 130 अराउंड जो कट ऑफ रहनी है उसी हिसाब से ही अपनी कट ऑफ 130 रही है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कह रहा था, मैं 140 के अराउंड कह रहा था, तो स्टिल ठीक है, 130 भी अपनी हाई रेंज की तरफ ही है कट ऑफ। 140 मैंने इसीलिए कहा था कि अपना स्कोर ज़्यादा रहेगा तभी अपना क्वालिफाइंग जो स्किल टेस्ट है उसमें हमें इजी रहेगा आगे क्वालिफाई करना जॉब के लिए। तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मैं यही कहूँगा, जितने भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, LDC का है, हेड क्लर्क है, असिस्टेंट ग्रेड 2 है, तो आप कट ऑफ देख लीजिए कि इससे ज़्यादा 130 से तो ज़्यादा ही रहेगी, 140-145 अराउंड रह सकती है क्योंकि उसमें तो वैकेंसीज भी और कम हैं। तो यही मेरे को आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये नोटिस आया था DSSSB की तरफ से। तो मिलते हैं आप बाकी की वीडियोस में। वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका भी कट ऑफ क्लियर हुआ है, आज खुशी के दिन है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होके जरूर आगे की प्लान कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। बाय बाय, टेक केयर।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. जय हिंद.